Uh, ये पर्पल वाले ठीक है वो आपको नजर आ रहे हैं ठीक है और ये जो फॉलिकुलर कैविटी है ये पिंक क्यों है दैट इज़ बिकॉज ऑफ द कोलोइड ठीक है अच्छा ये जो फॉलिकुलर सेल्स हैं ठीक है ये किस किस तरह का एपिथीलियम बनाते हैं दैट लाइन बाय सिंपल क्यूबॉइडल एपिथीलियम ठीक है इसके सराउंडिंग में ठीक है आपके पास क्या होता है यू गॉट इंटर फॉलिकुलर स्ट्रोमा ठीक है विट इज हैविंग पैराफॉलिकुलर सेल्स ठीक है

Uh, अगर लाइट ज़्यादा हो तो इस तरह की भी आ सकती है न लेकिन इन थ्री केसेस तीनों में आपको समझ आ रहा है कि बेसिकली दैट इज अ हिस्टोलॉजिकल स्लाइड ऑफ द थायरॉयड ना लेट्स टॉक अबाउट द हिस्टोलॉजिकल स्लाइड ऑफ एड्रीनल ग्लैंड एड्रीनल ग्लैंड में हमारे पास स्पेक्युलर जोन्स होते हैं ठीक है इन द कॉर्टेक्स अभी हम खूसी तौर पर वी आर टॉकिंग अबाउट द एड्रीनल कॉर्टेक्स ठीक है तो इसमें हमारे पास क्या होता है कि uh, आपके पास जी एफ आर होता है थ्री लेयर्स होती हैं ठीक है जी एफ आर इज़ एक्चुअली फॉर द जोना क्लोमरलोजा जोना फैसिकुलेटा एंड द जोना रेटिकुले ठीक है जबकि जो उसका मटाला जो यहाँ पर इतना फोकस्ड नहीं है ठीक है जो मटाला है दैट इज़ हैविंग स्पेशल सेल्स दैट आर कॉल्ड इज क्रोमोफिन सेल्स एंड इट इज़ आल्सो हैविंग इररेगुलर ग्रूप्स ऑफ सेल्स विद प्रोमिनेंट ब्लड वेजल्स स्पेशली स्मॉल वेन्ज एंड विन्यूल्स ठीक है जो जोना ग्लोमेरा है वहाँ पर हमारे पास आर्ट कॉलम्स होते हैं ठीक है और जोना फैसिकलाटा जो कि ज़्यादा बेहतर तरीके से अप्रिशिएट किया जा रहा है उसमें आपके पास स्ट्रेट कॉलम्स होते हैं ठीक है जिनके नीच जिनके बीच में आपके पास ब्लड वेसल्स हैं ठीक है ये पूरे आर्च्ड कॉलम्स बड़े सही से नजर आ रहे हैं ठीक है दैट वी आर बी वी आर हैविंग आर्च्ड कॉलम्स ठीक है और फिर उसके बाद जो आगे आपके पास आते हैं जोना रेटिकलारिस ठीक है वहाँ पर अनास्टमोसिंग कॉर्ड्स ऑफ सेल्स होते हैं जो इंटेरोक्रोमोफिन सेल्स हैं देयर ऑफ न्यूरल क्रेस्ट ऑरिजिन एंड दे आर रिकॉर्डेड टू बी मॉडिफाइड पोस्ट गैंगलियनिक न्यूरॉन्स दैट लाइक डेंड्स एंड एक्जानस एंड दे आर रिस्पांसिबल फॉर सिक्रीटिंग कैटिकॉलमीन्स दैट इज एपिनेफ्रीन एंड नॉन अपी ठीक है जबकि जो आपका कॉटिक्स है दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सिक्रीटिंग कॉर्टिकोस्टीरोइड्स अच्छा तो ये आपका क्या है एड्रीनल ग्लैंड ठीक है तो ये, ये भी एडिनिंग की डायग्राम है नॉट दैट वेल फोकस्ड ठीक है ना इतना अच्छा नज़र नहीं आ रहा ठीक है तो अब क्या है कि इसमें ग्लोमेरलोसा ठीक है और फिर उसके बाद आपके पास क्या होगा फैसिक ठीक है तो ये जो वाइट वाइट है इससे नज़र लग रहा है कि भई लॉन्ग आर्च्ड कॉलम्स हैं ठीक है तो लेकिन डायग्राम कैन बी लाइक दिस ठीक है अब आपने हिसाब लगा लेना है ख़ुद से अच्छा ऑल्सो रिमेंबर कि आपको क्वेश्चन आ सकता है कि फॉलिकुलर सेल जो हैं ऑफ़ द थायरॉयड प्लान ठीक है uh, uh, gland, ये क्या सिक्रीट करते हैं जो दे आर रिस्पॉसिबल फॉर सिक्रीटिंग थायरॉक्सिन जबकि पैराफॉलिकुलर सेल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सिक्रीटिंग कैल्सिटॉन इन समाइम्स एंडोक्राइन एंडोक्राइन हस्टोलॉजी में आपको आ जाता है आइलेट्स ऑफ लैगर हैंड्स के बारे में तो देर आर फोर सेल टाइप्स इन द आईलेट्स ऑफ लैगर हैंड्स ठीक है सबसे पहले आपके पास अल्फा सेल्स होते हैं ठीक है जो कि दे मेकअप ट्वेंटी परसेंट एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सिक्रीटिंग ग्लूकोकॉन बीटा सेल्स आर रेस्पांसिबल फॉर सिक्रीटिंग इंसुलिन जो डेल्टा सेल्स होते हैं ठीक है ना दे आर रेस्पांसिबल फॉर सिक्रीटिंग फाइव टू टेन दे आर फाइव टू टेन इन नंबर एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सिक्रीटिंग सोमैटो स्टार्ट इन एंड देर आर पी पी सेल्स ठीक है पी पी सेल्स जो हैं दे आर सिक्रीटिंग पेंक्रियाटिक पोलीपेप्टाइड ठीक है और उसके बाद हमारे पास बाकी एस एन आई पेंक्रियाज के बारे में तो मैं आपको ब्लॉक वन में बता चुकी हूँ ठीक है ये भी ड्रीनल ग्लैंड की हिस्ट्रोलॉजिकल डायग्राम है ठीक है ऊपर वाला जो एरिया दैट इज़ कैप्सूल ठीक है और ये जो आ, और ये कॉर्टिक्स है ठीक है और आ, ये वाला आई थिंक जोन जो है ना सेंटर वाला दैट मस्ट बी द मटाला अच्छा जी दिस इज़ द हिस्टोलॉजिकल स्लाइड ऑफ द रेटना ठीक है इसमें सबसे पहले हमारे पास क्या होगा इनर लिमिटिंग लेयर है इनर लिमिटिंग लेयर और उसके बाद हमारे पास क्या होती है ऑप्टिक नर्व फाइबर नर्व फाइबर लेयर हो गई फिर उसके बाद आपके पास क्या होगी गैंगलियन सेल लेयर होती है ठीक है गैंग्लियन सेल लेयर के बाद आपके पास आ जाती है इनर प्लेक्सीफॉर्म लेयर ठीक तो 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 है तो फिर आ जाते हैं हमारे पास आई थिंक ये वाली होनी चाहिए दिस शुड बी द फॉर्म वन और ये इनर न्यूक्लियर हो जाएगी जाए ये आ जाएगी इनर न्यूक्लियर लेयर ठीक है उसके बाद इनर न्यूक्लियर लेयर आउट ऑफ प्लेक्सिफॉर्म लेयर प्लेक्सी फॉर्म लेयर फिर उसके बाद आ जाएगी आपकी आउटर न्यूक्लियर लेयर ठीक है उसके बाद आउटर न्यूक्लियर लेयर के बाद ये जो लेयर है दैट मस्ट बी द आउटर लिमिटिंग लेयर और फिर ये आ जाती है आपकी ये वाली लेयर्स ठीक है दैट इज द लेयर ऑफ रॉड्स एंड कॉन्ड्स ठीक है एंड यहाँ पे फिर उसके बाद हमारे पास आ जाएगा पिगमेंट पिथीलियाँ ठीक है मतलब देखो इसमें डिफरेंट कलर पिगमेंटेशनस है ना ठीक है तो उससे भी अंदाज़ा हो जाता है अच्छा मैं आपको ये बता दूँ कि हर लेयर में किस किस का अनास्टमोस होता है तो सबसे पहले इनर लेयर लिमिटिंग मेम्ब्रेन है ठीक है उसके बाद आपके पास ये ऑप्टिक नर्व लेयर है ठीक है यानी कि यहाँ पे ऑप्टिक नर्व आ जाती है फिर उसके बाद आ जाते हैं आपके गेंगलियन सेल्स ठीक है गेंग्लियन सेल्स होते हैं ठीक है और वो अनास्टमोस करे होते हैं आपके बायपोलर सेल्स के साथ ठीक है बायपोलर सेल्स ठीक है तो लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ दिस बायपोलर सेल्स बेसिकली ये बनाते हैं बायपोलर सेल्स मेकअप इनर न्यूक्लियर लेयर ठीक है और उसके बाद आ जाएगा आपकी लेयर ऑफ रॉड्स एंड कॉन्स ठीक है ये रॉड्स एंड कॉन्स हैं ठीक है और वो मिल के होते हैं आपकी स्पिगमेटिथीलियम के साथ डार्ट शोज मेलन एन ग्रान्यूल्स ठीक है <coughs> नेक्स्ट आपको कॉर्निया नज़र आ रहा है जिसके अंदर हमारे पास बाहर सबसे पहले कॉर्नियल एपिथीलियम है ठीक है और उसके बाद आपके पास क्या है बोमैन मेम्ब्रेन है ठीक है और उसके बाद ये सारा का सारा आपका क्या है कॉर्नियल स्ट्रोमा ऐसे ऐसे नजर आ रहे हैं आ फिर नीचे दो लेयर्स और डेस्म्रेन और कॉर्नियल एंडोथी वो तो यहाँ नज़र ही नहीं आ रही ठीक है तो यहाँ पर आपको बस क्या नजर आएगा कॉर्नियल एपीथीलियम ठीक है जो कि स्टार्टअप को और उसके बाद ये जो डार्क सी लाइन है रेड कलर की हिस्ट्रोलॉजिकल स्लाइड ठीक है ऑफ द काकलिया ठीक है जिसमें आपको क्या नज़र आ रहा है आई वॉन्ट इफ दिस इज़ एक्चुअली द स्पाइरल गैंगली ऑन ऑफ कॉर्ड ठीक है और uh, ये जो सर्कल्स हैं ठीक है इनमें दे आर एक्चुअली शोइंग द स्केला मीडिया द स्केला वेस्ट एंड द स्केला टेम्पानी ठीक है ठीक है ये आपके हाइपोफाइसिस या पिट्यूटरी के हिस्टोलॉजिकल स्लाइड है अब इसमें ना आपके पास तीन तरह के सेल्स होते हैं बेजोफिल्स ठीक है आ, क्रोमोफोब्स बेसिकली होते क्या है कि आपके पास क्रोमोफोब्स और क्रोमोफिल्स होते हैं ठीक है क्रोमोफोब्स वो होते हैं जो कि कोई भी कलर नहीं देते दे डू नॉट स्टेन जबकि जो क्रोमोफिल्स होते हैं देर आर टू टाइप्स बेजोफिल्स एंड ईओसिनोफिल्स ठीक है अब ये जो बेजो हैं ना ये फर्दर आपके पास दो टाइप्स के होते हैं मेमोट्रॉप्स एंड uh, मेमोट्रॉप्स ट्रॉप्स ऑल्सो कॉल्ड इज लैक्टोट्रॉप्स एंड जब सोमेटो जबकि ईसिनो जो होते हैं ठीक है ये आपके पास कौन कौन से हैं कॉटिको एक सेकेंड मैं देख लूँ मैं ना बता दूँ हाँ जी उल्टा हो गया uh, बेजो uh, योसनो आपके पास दो टाइप्स के होते हैं सोमेटो ठीक है जी और लैक्टोट्रॉप्स या मेमोट्रॉप्स, जबकि आपके बेजोफिल्स तीन तरह के होते हैं कॉर्टिको थायरोट्रॉप्स, ठीक है जी और आपके गुनाडोट्रॉप्स, ये तीन तरह के होते हैं ठीक है जबकि क्रोमोफोब्स तो वो हैं जो कि कलर नहीं देंगे अब इस डायग्राम में ना कुछ भी ख़ास इतना अच्छा नज़र नहीं आ रहा कैन सी आई वॉन्ट अगर ये जो वीकेंट सी स्पेसिज हैं ठीक है इफ़ दे शो क्रोमोफोब्स आई फील लाइक कि ये क्रोमोफोब्स होंगे ठीक है और इसके अलावा उन्होंने कहा है कि बेजोफिल्स एंड एसरोफिल्स ठीक है तो बेजोफिल कलर तो इस पूरी पिक्चर में ऐसा है ही नहीं बाकी ऐसरोफिलिक कलर है ठीक है तो वो आपके पास डाटल भी डेमानस्ट्रेटिंग एसरोफिल्स ठीक है ये भी हिस्टोलॉजिकल स्लाइड है पिट्यूटरी की इसमें ज़्यादा बेहतर नजर आ रहा है ठीक है इसमें क्रोमोफोब्स भी नज़र आ रहे हैं ठीक है एसरोफिल्स भी नज़र आ रहे हैं ठीक है और जो आपके डार्क कलर्स हैं ठीक है दीज आर एक्चुअली द बेज़ोफिल्स ठीक है तो आ, ये ये पिक्चर बिल्कुल बेहतर है ठीक है और इसमें बड़ा अच्छा से नज़र आ रहा है कि बीच में ये हमारे पास आ, ये बेज़ोफिल है और इसके गिर्द हमारे पास ये जो स्पेस है दैट इज़ एसरोफिल सो दिस इज़ अ वेरी गुड डायग्राम ठीक है ये भी एक स्लाइड है इसमें Uh, भी कुछ बेहतर नज़र आ रहा है कि कुछ हमारे पास पर्पल एरियाज़ हैं ठीक है पर्पल मतलब बेजोफिल्क एरियाज हैं दैट आर एक्चुअली द बेजोफिल्स उसके गिट जो लाइट कलर्स हैं ठीक है दीज आर एक्चुअली द एस्ट्रोफिल्स एंड द वाइट ज़ोन्स आर शुड बी द क्रोमोफोब्स ठीक हो गया तो ये वाला जो एरिया है ना ये वाला इस डायग्राम का दैट टेल्स समथिंग अबाउट द स्लाइड